सर अब 5:18 से करने वाले थे। हाँ क्या बच्चे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही? 5:18 से करने वाले थे। अच्छा 5:18, यस, उसको चलो पहले उसी को सिखा देता हूँ, ठीक है? उसके बाद हम लोग 9th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगस्त हम लोग पढ़ रहे हैं स्पीड कैसे निकालते हैं, ठीक है? वो स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। आपके स्कूल में अगस्त कौन सा चैप्टर रिस्टार्ट हुआ है साइंस में? सर 5th चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। ओके, मैथ्स में? और साइंस में? साइंस में फर्स्ट चैप्टर मैटर इनर सराउंडिंग। ओके मैटर, तो हम लोगों ने मोशन स्टार्ट किया है, ठीक है? तो मोशन एक बार जब खत्म हो जाएगा, मोस्ट लाइकली अगले हफ्ते हम मोशन खत्म कर लेंगे और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मोस्टली फर्स्ट चैप्टर मैटर इनर सराउंडिंग। और उसके बाद हम लोग सर आई एम आल्सो हैविंग एन डाउट। आपको डाउट है? यस सर। मोशन में ना? यस सर। कौन सा क्वेश्चन में डाउट आपको? क्वेश्चन नंबर 10 और 11। ओके, वो हम लोग करेंगे भी, ठीक है? फर्स्ट हम सीखेंगे कि 5/18 और 18/5 से हम क्यों करते हैं, फिर हम क्वेश्चन 9 करेंगे, फिर हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, फिर आज का जो टॉपिक है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन उसको पढ़ेंगे, ठीक है? हमारा अपना स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। हमारा स्क्रीन क्लियर हो गया। तो जहाँ भी आपको डाउट आए आप प्लीज अनम्यूट करके पूछ सकते हो। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको दिया है किलोमीटर पर आवर और कोई आपको कहे इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, समझो आपको दिया है 20 किलोमीटर पर आवर और कहता है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली इसको 20 किलोमीटर है इसको इनटू 5/18 डायरेक्ट कर सकते हो। आप क्यों करते हो बताता हूँ, ठीक है? आप समझो इसको हमने कट किया, ये हो गया 10, ये हो गया 9, ये हो गया 50/9। इसको भी हम कट कर सकते हैं, 5 45.56 मीटर पर सेकेंड। अब ये 5/18 कहाँ से आता है वो देखो, देखो 1 किलोमीटर/1 आवर ये लिखा हुआ है। अभी देखो हमको किलोमीटर को किसमें चेंज करना है, मीटर में, आवर को किसमें चेंज करना है, सेकंड में, है ना? किलोमीटर को किसमें चेंज करना है, मीटर में, आवर को किसमें चेंज करना है, सेकंड में। तो हमको मालूम है 1 किलोमीटर = कितने मीटर होता है, 1000 मीटर। 1000 meters. 1 hour में कितने सेकंड होते हैं, 3600 seconds. एग्री सब लोग? अब तो जो 1 meter है उसको हम कन्वर्ट किस में करते हैं, मीटर में। तो 1000 की जगह क्या आएगा, 1000 meter और 1 hour की जगह क्या आएगा, 3600 meters. नीचे क्या आएगा, सेकंड। अब देखो कटिंग करेंगे, 2 0 2 0 कैंसिल, क्या बच गया, 10/36। अब ये 2 से जाएगा, 2 5 10 और 2 18 13 6। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया, 5/18 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब कभी भी आपको अगर किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, आपको सिंपल क्या करना है, जो भी किलोमीटर दिया है इसको इनटू कर दो 5/18। जैसे आपको दिया 36 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करना मीटर पर सेकंड में, तो मैं क्या करूंगा, 36 × 5/18, 18 × 1 = 18, 18 × 2 = 36, कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। सबको क्लियर हुआ है पॉइंट, अंडरस्टूड? तो जब भी आप मीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है
तो क्या करो, मल्टीप्लाई बाय 5/18। अब इसी को ऑपोजिट देखो, अगर आपको मीटर पर सेकंड को अगर आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसका उल्टा करेंगे, हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे जिसको मीटर पर सेकंड को। जैसा आपको एग्जांपल देता हूं फिर से, ठीक है, मैंने आपको कहा कि 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दो, तो मैं क्या करूंगा, इसको 18/5, पहले हमने 5/18 किया था, अब उल्टा करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो कितना हो जाएगा, 18/5 × 10, 1 × 2 कितना हो गया, 36, ये बन जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। क्लियर दोनों चीजें? Yes, sir. Okay, अच्छा लगा, आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए अब हम करते हैं 9th क्वेश्चन। 9 से पहले तो किसी को भी डाउट नहीं है, नो सर? क्लासरूम का डस्टर अच्छा होता है, बहुत फास्ट साफ होता है ना, इसमें काफी टाइम लग जाता है साफ करने। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 9, ठीक है। आपको दिया है ए ट्रेन ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर सम डिस्टेंस एंड रिटर्न विद ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। हमको निकालना है एवरेज स्पीड। तो फर्स्ट हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, टोटल, सर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। यस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टेकन, गुड। ऐसे हमेशा फॉर्मूला हमेशा लिखना सीखो, ठीक है। अब देखो कैसा था, मैं स्टेशन ए पे था, मैं यहां से कहां जा रहा हूं, बी पे जा रहा हूं, ठीक है। तो एक ट्रेन है जो स्टेशन ए से चलती है, उसने कुछ डिस्टेंस कवर अप किया, किस स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर। तो मान लो ए और बी का डिस्टेंस कितना है, एक्स, है ना, 100 किलोमीटर भी हो सकता है, 200 किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है। तो हमने माना कि वो डिस्टेंस कितना है, एक्स। अब वो ए से बी पे गई, तो उसका स्पीड ए टू बी हमको कितना दिया है, 30 किलोमीटर पर आवर। जब गाड़ी चली, ट्रेन स्टेशन ए से कहां पर गई, बी पे गई, तो कितने स्पीड से चली, 30 किलोमीटर पर आवर, पर आवर आ रही है बी से ए पे, और बी से चलेगी और ए पर आ रही है। उस टाइम उसका जो स्पीड है, बी से ए पर जब आ रही है, उसका स्पीड हमको दिया है 45 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये क्लियर है, अब देखो दोनों में स्पीड अलग अलग है, पहले 30 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, फिर वो 45 किलोमीटर पर आवर से जाती है। तो जब भी स्पीड अलग होती है तो टाइम भी अलग लगेगा, है ना। जैसे आप गाड़ी जाओगे, डिग्गी से आप विशालगढ़ जाओगे, आप बाइक से जाओगे और कार से जाओगे, दोनों में अंतर है, आपकी बाइक थोड़ी स्लो चलेगी और आपकी कार थोड़ी फास्ट चलेगी। मान लो बाइक से गए 30 किलोमीटर पर आवर, आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, और आप तो गाड़ी से जाओगे कार से, उसका स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, तो आपको टाइम कम लगेगा। तो यहाँ पर दो टाइम होंगे, एक टाइम होगा ए से बी के लिए जब हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, और दूसरा टाइम होगा टाइम बी टू ए। तो हमको ये दोनों चीजें निकालनी है, एक तो हमको डिस्टेंस निकालना है और एक हमको टाइम निकालना है, ठीक है। तो देखो अब क्वेश्चन आगे कैसे सॉल्व होता है। तो मैंने आपको बताया था टाइम क्या होता है, दिस टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है।
अभी हमको कौन सा टाइम निकालना है, टाइम ए टू बी, जब ट्रेन ए से बी की तरफ जा रही है, इसका मतलब डिस्टेंस भी कौन सा होगा, ए टू बी, और स्पीड भी कौन सी होगी, ए टू बी। तो डिस्टेंस ए टू बी हमने कितना लिया था, एक्स, तो यहां पर आएगा एक्स, स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर, तो यहां पर आ गया 30 किलोमीटर। तो ये आपका ऊपर किलोमीटर था, यहां पर क्या था, किलोमीटर अपॉन आवर, 30 किलोमीटर पर आवर था, तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया, आवर ऊपर चला गया, तो क्या बन गया, x अपॉन 30 आवर्स। यहां तक क्लियर आप लोगों को, यहां तक किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। एकदम क्लियर? यस सर। गुड। अब हम इसका सेकंड पार्ट निकालेंगे, टाइम b टू a, ऐसे आप एक एक स्टेप करके करोगे ना, आपको फिजिक्स आराम से समझ में आएगा। तो टाइम b टू a, अब मैं कहां जा रहा हूं, b से a पे जा रहा हूं, तो सेम डिस्टेंस b टू a, और आपका स्पीड भी b टू a, तो देखो आपका डिस्टेंस तो सेम है ना, तो वो भी आएगा x किलोमीटर, आपका स्पीड चेंज हो गया, अभी कितना 45 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, क्या बच गया, x अपॉन 45 आवर। अगर हम टोटल टाइम लेते हैं, टोटल टाइम मतलब उसको जाने में और आने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम a टू b प्लस टाइम b टू a, इसका मतलब x अपॉन 30 प्लस x अपॉन 45, दोनों टाइम को ऐड करेंगे ना, जैसे आप डिग्गी से विशांतवाड़ी गए और विशांतवाड़ी से आप वापिस आ गए डिग्गी, तो आपसे पूछो भाई कितना टाइम लगेगा, तो आप डिग्गी से वाड़ी का टाइम लोगे और वाड़ी से डिग्गी का टाइम लोगे, दोनों को ऐड करोगे, ठीक। अब इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कैसे आएगा, x अपॉन 30 प्लस x अपॉन 45, हम ऐसे नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर सेम हो जाए, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से, और यहाँ पर 3 से, इसको भी यहाँ पर 3 से, क्यों, नीचे क्या बन जाएगा 90, यहाँ पर भी कितना बन जाएगा 90, तो ऊपर क्या बन गया 3x अपॉन 90 प्लस 2x अपॉन 90, अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो गया नीचे 90, ऊपर आपका हो जाएगा 5x, अगर कुछ कटता है तो काट दो, तो 5 × 5 और ये कितना हो जाएगा 18, तो हमारा टोटल टाइम, दिस वी वर्ल्ड टोटल टाइम x अपॉन 18 आवर्स। अब हमको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड है ना, हमारा हमको क्या निकालना था स्टार्टिंग में, एवरेज स्पीड, तो डिस्टेंस मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो हमारा एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस ए टू बी प्लस डिस्टेंस बी टू ए, और नीचे भी आपका टोटल टाइम, तो देखो ए से बी का डिस्टेंस कितना है एक्स, बी टू ए भी डिस्टेंस कितना है एक्स, और नीचे कितना है एक्स अपॉन 18, ऊपर कितना बन गया देखो 2x, नीचे कितना है x अपॉन 18, आपको मैंने बताया जो थर्ड वैल्यू होता है ये ऊपर चले जाता है, तो कैसा बन जाएगा 18 इंटू 2x अपॉन x, x से x कैंसिल, कितना हो गया 36 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर। क्लियर सबको? यस सर। चलो गुड। यस सर। क्लियर है तो 1 प्रेस कर सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, ठीक है? जैसे एक एक करके आप क्वेश्चन जब खुद करोगे ना, आप लोगों का फिजिक्स बहुत, देखो जिसका फिजिक्स अच्छा होता है ना, उसका मैथ अपने आप अच्छा हो जाता है,
तो अगर आप लोगों का मैथ वीक है आपको फिजिक्स में भी दिक्कत आएगा, इसलिए अगर आपको मैथ मजबूत करना है आपको फिजिक्स मजबूत करना पड़ेगा, और फिजिक्स मजबूत होगा तो आपको फिजिक्स कैसा होता है, आपको लॉजिकली सोचना सिखाता है। मैथ देखो जो होता है वो रट्टा मारने की चीज़ नहीं होती, आप कितना रटोगे है ना, आप ज़्यादा भी रट सकते हो, आपको क्या करना पड़ेगा आपको समझना पड़ेगा, और जो समझने की शक्ति होती है वो एक्चुअली में फिजिक्स देता है। देखो हमको हर क्वेश्चन में क्या है सोचना पड़ रहा है, तो फिजिक्स हमारी सोचने की एबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, अब ऐसे करते क्वेश्चन नंबर 10। ऑन ए ट्रैक ऑफ 120 किलोमीटर, ठीक है, तो समझो आपका ए यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन है, ये बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेशन बी, और यहाँ पर दूसरा आपका स्टेशन है सी। ठीक है, इसका जो टोटल लेंथ है ये 120 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर ए से लेकर सी तक पूरा 120। अब एक ट्रेन ने ए से चलना स्टार्ट किया और वो बी तक पहुंची है फर्स्ट 30 किलोमीटर, मान लो ये जो डिस्टेंस है ये आपको दिया है, ये कितना है 30 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो उसने इसको जो कवर अप किया है स्पीड ए टू बी ये आपको गिवन है 30 किलोमीटर पर आवर, है ना, ए ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब ए से बी जाना है डिस्टेंस कितना है 30, स्पीड कितना है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे उसने क्या पूछा, हाउ फास्ट द ट्रेन शुड ट्रेवल, अब कितने किलोमीटर बच गए 90 किलोमीटर बच गए, अगर टोटल 120 है स्टार्टिंग अगर 30 है तो ये कितना हो जाएगा 90 120 माइनस 30 90, तो ये आपका किलोमीटर है 90 किलोमीटर, ये आपका डिस्टेंस है। उसने आपसे पूछा है ये स्पीड कितना होगा, ये स्पीड कितना है कि मेरा एवरेज कितना हो 60 किलोमीटर पर आवर, है ना, कि पहले मैं 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा हूँ, अब मैं कितनी फास्ट चलूँ या कितनी स्लो चलूँ कि मेरा एवरेज स्पीड 60 होना चाहिए, ये हमको निकालना है। गॉट इट, तो अभी हमको देखो क्या क्या निकालना है, यहाँ से हमको एक तो टाइम निकालना है, टाइम ए टू बी, फिर हमको टाइम निकालना है बी टू सी। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन हमको क्या दिया है, एवरेज स्पीड हमको दिया है, हमको एवरेज स्पीड दिया है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और हमको क्या दिया है टोटल डिस्टेंस दिया है, तो जो जो डाटा हमको गिवन होता है हम उसको नोट करते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना है 120 किलोमीटर, तो फॉर्मूला देखो क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, स्पीड टोटल टाइम। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को टोटल स्पीड दिया है यस, डिस्टेंस दिया है यस, क्या नहीं दिया टोटल टाइम नहीं दिया, तो यहां से हमको क्या मिलेगा टोटल टाइम मिलेगा, तो देखो टोटल टाइम इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल मतलब एवरेज स्पीड, नीचे यहां पर आएगा आपका एवरेज स्पीड, तो आपका टोटल डिस्टेंस कितना है 120 किलोमीटर, आपका स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, आवर ऊपर चला जाएगा 61 जा 60 62 जा 120, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, तो कितना बच गया टाइम, ये आपका टोटल टाइम है 2 आवर्स। या तो सबको समझा सर? यस, बोलो बच्चा। सर नॉर्मल सर मतलब स्पीड और एवरेज स्पीड में क्या फर्क है? स्पीड होता है इंस्टेंट, ठीक है, और एवरेज स्पीड होता है कलेक्टिव स्पीड, जैसे मैं अपनी बाइक चला रहा हूँ और आप मेरे पीछे बैठे हो, आप मुझसे पूछोगे दोस्त कितनी स्पीड से चल रहे हो, तो मैं क्या करूंगा स्पीडोमीटर देखूंगा
और कहूंगा यार मैं भी 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा हूँ, इसको बोलते हैं इंस्टेंट स्पीड। लेकिन मैं कंटिन्यूसली अपनी स्पीड 60 मेंटेन नहीं कर सकता, कभी गाड़ी 40 पे भी आएगी, 45 पे भी आएगी, 65 पे भी जाएगी, जब जाम होगा तो मैं 5 किलोमीटर पे भी चलाऊंगा। तो हर बार मेरा क्या होता है, स्पीड बार बार चेंज होती है। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा अभी तुम्हारी स्पीड क्या है, तो मैं तो स्पीडोमीटर पे देख के बताऊंगा, उसको बोलते हैं स्पीड। जो इंस्टेंट बताई जाती है उसको स्पीड कहते हैं, और एवरेज स्पीड किसको कहते हैं, मैंने जितना डिस्टेंस कवर अप कर लिया और उसको कवर करने मुझे जितना टाइम लगा उसको कहते हैं एवरेज स्पीड। क्लियर? यस सर। आगे चलें? यस सर। जो भी डाउट है ऐसे आप सर, बोलो बच्चा। सर आप आपसे क्या डिफरेंस होता है। देखो ये मेरा गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। और देखो ये मेरी सुई होगी, आप मेरे पीछे बैठे हो और अभी मैं इस स्पीड से चल रहा हूँ। आपने मुझसे पूछा सर अभी 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 आपकी स्पीड कितनी है, तो इंस्टेंट अभी जो मेरी स्पीड कितनी है लगभग 48 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। लेकिन जब भी मैं गाड़ी रोड पे चलाऊंगा तो मेरी स्पीड कम भी हो सकती है, मेरी ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो एकदम इंस्टेंट स्पीड क्या होता है, अगर मैं सिर्फ स्पीड की बात करता हूँ तो उसी टाइम इंस्टेंटली जो मेरा स्पीडोमीटर मुझे बताता है मैं उस स्पीड की बात करता हूँ। लेकिन जब मैं एवरेज स्पीड की बात करता हूँ, कभी मेरी स्पीड 30 भी हो सकती है, कभी मेरी 70 भी हो सकती है, कभी 65 भी हो सकती है, कभी 10 भी हो सकती है, कभी 10, तो इन सब का एवरेज लिया जाता है ना। कभी स्पीड कितनी है 10, कभी स्पीड कितनी है 20, कभी कितनी 50, कभी कितनी 70, कभी कितनी है 35। तो इन सब का एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज हमको बताना होता है। एवरेज कैसे निकालते हैं, हम टोटल डिस्टेंस लेते हैं कि भाई मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसको करने में मुझे कितना टाइम लगा, तो इससे हमको क्या मिल जाता है, एवरेज स्पीड मिल जाता है। अभी क्लियर हुआ? यस यस सर। चलिए हमारा क्वेश्चन चल रहा था। यस सर। तो अभी हमने टाइम निकाल लिया, हमारा टाइम कितना हुआ 2 आवर्स, कि भाई मुझे ए से बी और बी से सी पे जाने में टोटल कितना टाइम लगा, 2 आवर्स लग गए, ठीक है। अभी देखो आगे क्वेश्चन में क्या करना है। अभी थोड़ा क्वेश्चन देखो, ऊपर देख जाएंगे तो ए से बी का डिस्टेंस कितना है 30, ए से बी का स्पीड कितना है 30 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये जो टोटल टाइम आया है, ये टोटल टाइम है, ये क्या है, टाइम फ्रॉम ए टू बी प्लस टाइम बी टू सी। भाई मुझे ए से बी पे जाने में कितना टाइम लगा और मुझे बी से सी पे आने में कितना टाइम लगा, ठीक है। तो टोटल टाइम इक्वल टू, अभी देखो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं टाइम को, डिस्टेंस ए टू बी अपॉन स्पीड ए टू बी प्लस, इसको कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस B to C और स्पीड B to C, ठीक है। अब जो हमको डाटा पता है डाटा पुट करेंगे, हमको टोटल टाइम पता है यस टू, हमको
डिस्टेंस ए टू बी पता है 30 किलोमीटर, देखो ऊपर दिया हुआ है ना, ये देखो 30 किलोमीटर डिस्टेंस दिया है और ये स्पीड भी दिया है, इसका डिस्टेंस भी दिया है, इसका स्पीड नहीं दिया, इसको हम क्या ले लेते हैं x, ठीक है, ध्यान से देखते चलना। तो यहां पर नीचे आएगा 30 किलोमीटर अपॉन 30 किलोमीटर पर आवर प्लस 90 किलोमीटर अपॉन, टाइम नहीं पता अब स्पीड नहीं पता अपने को, x किलोमीटर पर आवर, ये सबको समझ में आया जो मैंने लिखा है? यस सर। ऑल क्लियर? यस सर। गुड, अभी देखो जो कटिंग होता है उसको कटिंग करेंगे, देखो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 31 से 30 और ये आवर ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये भी आपका आवर्स है, 2 आवर्स, तो 2 आवर्स इक्वल टू 1 आवर, यहाँ किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, आवर कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, तो प्लस 90 अपॉन x आवर, ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। अभी देखो ये 2 आवर है, ये 1 आवर है, तो 2 माइनस 1 आवर इक्वल टू 90 अपॉन x आवर, ठीक है। यस सर। अब देखो 2 माइनस 1 1, आवर से आवर कैंसिल, इक्वल टू 90 अपॉन x, x यहां चला गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x इक्वल टू कितना हो गया 90, और हमने x क्या माना था, x इज स्पीड फ्रॉम b टू c, इसलिए x को लिखेंगे 90 किलोमीटर पर आवर, बताइए सबको क्लियर है? सर वेट, आई वांट टू राइट। सर आई हैव डाउट। यस बोलो बच्चा। यस सर, टोटल टाइम आपने कैसे कैलकुलेट किया वो समझा नहीं। ओके, आप आदित्य नोट खोल लो एक बार, मैं आपको समझाता हूँ। अगस्त बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। गुड। यस सर। सदन अभी इसने पूछा हमने टोटल टाइम क्या समझा, और फिर एक बार रिपीट करता हूं, आप लोग ध्यान से देखिए, हमको एवरेज स्पीड दिया है 60 किलोमीटर पर आवर, उसको डिस्टेंस दिया है 120 किलोमीटर, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अभी क्या किया मैंने, टाइम को यहां लेके गया और स्पीड को इसके नीचे लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं इसको, तो टाइम यहां पर आ गया और स्पीड नीचे आ गया, टोटल डिस्टेंस कितना है 120, स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, 120 आ गया। अभी तो आपका माइक ऑन है, अर्थात अभी क्लियर कि टोटल टाइम कैसे आया? यस सर। आगे चल सकते हैं? यस सर। चलिए गुड, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था, अब क्वेश्चन नंबर 11 का, 11 में डाउट है किसी को? नो सर। सर आई एम हैव डाउट इन क्वेश्चन नंबर 11। ओके यस। आपका माइक ऑन है, तो जो आपको बात करनी है आप तभी माइक ऑन कीजिए, बाद में आप माइक ऑफ कर दीजिए, ठीक है। अभी आपके नेक्स्ट जो 3 दिन है उसमें आपकी मैथ की क्लास होगी, अब रे सर आपको मैथ पढ़ाएंगे नेक्स्ट 3 डेज, तो नंबर सिस्टम आपको स्टार्ट करें।
A train travel at speed of 60 km for Christmas time. उसमें ऐसा दिया गया है, वापिस फिर से स्टेशन ए, स्टेशन बी और स्टेशन सी. हमेशा डायग्राम बनाओगे ना, आपको फिजिक्स सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा. तो एक ट्रेन ने ट्रेवल किया, पहले उसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर फॉर दिस मस्टर. तो वो ए से बी पे गई, ये उसने डिस्टेंस स्पीड दिया आपको, स्पीड ए टू बी कितना दिया है 60 किलोमीटर पर आवर. इसमें टाइम कितना लगा, टाइम ए टू बी उसने दिया है 0.52 आवर्स. आगे बी से सी पे गई, तो फिर से स्पीड बी टू सी अभी कितना स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर. टाइम बी टू सी 0.24 आवर्स. अच्छा डी पे भी गई है, तो ये हमारा स्टेशन डी. अब उसका स्पीड है सी टू डी 70 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना है सी टू डी ये दिया है 0.71 आवर्स. उसने कहा फाइंड द एवरेज स्पीड. ठीक है, सबको क्वेश्चन क्लियर. अभी देखो हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, सेम ही टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम कितना, टोटल टाइम. तो देखो टोटल टाइम तो निकाल सकते हैं, टोटल टाइम कैसे होगा, टाइम ए टू बी प्लस टाइम बी टू सी प्लस टाइम सी टू डी. इन तीनों को प्लस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल टाइम. तो निकाल लेते हैं आराम से, तो टोटल टाइम 0.52 प्लस 0.24 प्लस 0.71 बताइए कितना टाइम आएगा, टोटल टाइम कैलकुलेट कीजिए. टाइम विल बी 1.47 आवर्स. सबका आया टाइम, ये सबका टाइम आ गया. यस चलो गुड. अभी यस सर, अभी हमको क्या करना है, हमको तीन स्पीड निकालनी है. अभी हमको टोटल डिस्टेंस निकालना, ठीक है, स्पीड हमको दिया है, अभी हमको टाइम निकालना है. अब ये लोग आप लोग निकालोगे, ठीक है. आपको मैं से फॉर्मूला लिखता हूँ. देखो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम. टाइम निकालना है डिस्टेंस ए टू बी, तो मतलब स्पीड ए टू बी इनटू टाइम ए टू बी. एक आपको बताता हूँ, फर्स्ट वाला स्पीड कितना है 60 इंटू 0.52, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 1 कैरी 31 पॉइंट लगेगा यहाँ पर, इसका मतलब 31.2 किलोमीटर. ये समझ आया सबको, क्या किया मैंने, ठीक है. अब आप ऐसी मेरे को डिस्टेंस बी टू सी निकालिए और डिस्टेंस सी टू डी मेरे को निकाल के बताइए. चलो सर बी टू सी का 7, बी टू सेवन का बी टू सी 7.2 किलोमीटर ओके, और सी टू डी 1.71. देखो सबका आना चाहिए, सब लोग निकालिए.
Sir, I am not getting it. Can you tell again? Can you see that up to? Say that for answer. आपको ये वाला समझ में आया जो मैंने डिस्टेंस ए टू बी निकाला? यस। आपको ये पॉइंट समझ में आया जो मैंने नीचे निकाला? यस। ओके, अब उसी तरह देखो, डिस्टेंस बी टू सी, ठीक है, तो स्पीड ए टू बी, स्पीड बी टू सी, ये स्पीड कितना दिया यहाँ पर? 30 किलोमीटर पर आवर। इसका टाइम कितना? सर 60 कैसे आया बेटा? 60 यहाँ पर दिया था, देखो स्पीड ए टू बी ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ। यस 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 सर। अब इसका टाइम कितना है? 24.24, ये कितना आ जाएगा? 7.2 किलोमीटर। उसके डिस्टेंस सी टू डी, इसका टाइम, इसका स्पीड कितना है? 70। इसका टाइम 70 किलोमीटर 0.71। यस सर। सी टू डी 70 इनटू 0.7 का इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0.749। तो ये 40 ये नहीं आएगा, 1.7 में ही आएगा। 40 डिस्टेंस सी टू डी इक्वल टू 49.7 किलोमीटर, ये आप करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अभी हमको क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। तो हमको देखो सारे डिस्टेंस मिल गए, हमको सारे टाइम मिल गए। अब क्या करना है, जस्ट सभी डिस्टेंस को प्लस कर दो, सभी टाइम को प्लस कर दो और दोनों को डिवाइड करेंगे। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखो एवरेज स्पीड, सारे डिस्टेंस प्लस कर दो, एक ये वाला 31.2 प्लस ये वाला 7.2 प्लस ये वाला 49.7 डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना था? 1.47, उसको डिवाइड कर। चलिए आंसर बताइए कितना आएगा। क्या दिखता है? आपकी आवाज कम आ रही है बच्चा। सर 88.1 एवरेज स्पीड का टोटल है। 88.1 यस, टोटल डिस्टेंस तो 88.1 है। देखो 31.2 करेक्ट है, 7.2 सर टोटल, सर यस सर टोटल 85.79 समथिंग है। देखो ये आपको ऊपर वाला आएगा 88.1 डिवाइड बाय 1.47, ये बताइए कितना आएगा। सबको डिवाइड करना आना चाहिए, तो एग्जाम में देखो आपको 59.93 कितना बच्चा? 59.93 किलोमीटर पर आवर। 59.9 यस, आंसर को करेक्ट है। सब लोग सॉल्व कीजिए, सबका करेक्ट होना चाहिए 59.9 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है, इसको लिखेंगे 59.9 किलोमीटर पर।
हुआ सबका? नो सर, वेट। यस यस, आई विल वेट हियर, डोंट वरी। सर 59.93। यस यस, 93 भी करेंगे। आप डेसिमल के बाद एक पॉइंट तक भी ले सकते हो, दो पॉइंट तक भी ले सकते हो। सर 59.931। 59.9 आपका आ गया। ओके, सब आ रहा है सर, आगे चल सकते हैं सर। 59.9। यस सर, करेक्ट। सर सर आपने एवरेज स्पीड का जो टोटल है उससे आपने 1.47 को क्यों डिवाइड किया? क्योंकि बच्चा नीचे क्या है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमारा क्या है, डिस्टेंस, ये हमारा क्या है, टाइम, ये दोनों को डिवाइड किया है। ठीक है वैष्णवी, वैष्णवी क्लियर? सर डन सर। चलिए हम आज के टॉपिक पे चलते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेलोसिटी। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, स्पीड। अब दूसरी चीज क्या होती है, वेलोसिटी होती है। ठीक है, आपको मैंने जैसे सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ना? यस, एकदम सही बात, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो दो चीज होती है, हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट डे में पढ़ा था, जब हम बेसिक्स पढ़ रहे थे हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक था डिस्प्लेसमेंट और एक था डिस्टेंस। ये दो चीजें यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल पढ़े थे कि डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट क्या था, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। देखो आपको डिफरेंस बताता हूं फिर से हल्का सा। ठीक है, मैं यहां से ए पे हूं, बी पे जा रहा हूं, स्ट्रेट लाइन में चल रहा हूं। ठीक है, अब मैं स्ट्रेट लाइन चलते जा रहा हूं, अगर मैं कहूं कि मैं चल रहा हूं, इसका मतलब मैं केवल डिस्टेंस की बात करता हूं, इसका मतलब केवल मैं डिस्टेंस की बात करता हूं, और मैं ये कहूं कि मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूं, मैं डी से वाई जा रहा हूं, इसको कहीं ना कहीं हम डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, जहां पर डायरेक्शन ऐड हो जाता है, समझो वहां डिस्प्लेसमेंट का काम होता है। ठीक है, और दूसरी लैंग्वेज में ए से बी जो मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, और मैं वापिस कहां पर आ गया, ए पर आ गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ए से बी और बी से ए, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो जो हमारी स्पीड होती है ये हमेशा डिस्टेंस से कनेक्टेड होती है, और जो वेलोसिटी होती है, ये दोनों चीजें सुनने में एक जैसी है, भाई आपकी स्पीड कितनी है, आपकी वेलोसिटी कितनी है, बस फर्क कहां पर आता है, जब भी मैं वेलोसिटी की बात करता हूँ यहाँ पर डायरेक्शन आ जाता है, भाई मैं किस तरफ जा रहा हूँ, मैं ईस्ट जा रहा हूँ, वेस्ट जा रहा हूँ, नॉर्थ, बाकी दोनों चीजें सेम होती, लगभग सेम होती। ठीक है, तो आपको देखो वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट या ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन ए गिवन टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। अगर यहां से मैं डायरेक्शन वर्ड हटा दूं तो ये आपका स्पीड बन जाता है, जहां भी अभी डायरेक्शन ऐड हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। अंडरस्टूड? आपका फार्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम, दोनों का फॉर्मूला सेम रहता है, केवल डिस्टेंस की जगह क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। और वेक्टर मैंने क्या बताया था, वेलोसिटी से वेक्टर क्वांटिटी। देखो स्पीड, S for speed, S for scalar, V for velocity and V for vector. कभी भूल भी जाए तो मैं इसे याद रख सकते हैं, S for speed, S for scalar quantity, V for velocity and V for vector quantity. Understood ये बात? Yes sir. ठीक है, अभी देखो इसमें आगे पढ़ते हैं।
यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब वेलोसिटी भी दो तरह की होती है, ठीक है, एक होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरी होती है नॉन यूनिफॉर्म। अब डिफरेंस क्या होता है, समझो मैं हाईवे पे चल रहा हूँ और मैं कंटिन्यूस 100 किलोमीटर पर आवर से चल रहा हूँ और मेरा स्पीड ना तो कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है, तो आप देखोगे मैं हर इंटरवल में मतलब हर 5 सेकंड में मैं जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होता है। पर अगर मैं मार्केट के अंदर जाऊँ तो कभी मेरा स्पीड ज़्यादा होगा, कभी मेरा स्पीड कम होगा, कई बार मेरे को गाड़ी रोकनी पड़ेगी, उस टाइम उसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो ये सब डेफिनेशंस आपको नोट करनी है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। देखो स्पीड में मैंने पढ़ा था यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मैंने पढ़ा था, यहां पर सिर्फ क्या आ गया वेलोसिटी आ गया। तो वेलोसिटी आपकी आप सिर्फ क्या है, आपका डायरेक्शन आप बताते हो कि भाई मैं कौन से डायरेक्शन जा रहा हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यहां से डिगी गया, आप बताते हो कि मैं कहां जा रहा हूं। तो जब आप इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हो इक्वल टाइम में उसको कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और जब आप इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, अनइक्वल मतलब 1 मिनट में 10 मीटर, कभी 1 मिनट में 20 मीटर, कभी 1 मिनट में 60 मीटर, तो हर बार क्या कर रहा हूं मैं, टाइम तो 1 मिनट है पर हर बार मेरा डिस्टेंस कैसा है अलग अलग है। इसका और एग्जांपल होते थे, जैसे आप डिग्गी से जा रहे हो विश्रांत वाली, ठीक है, अब तुम में से एक गया बाइक पे, एक गया स्कूटी पे, एक गया साइकिल पे, एक गया कार पे। अभी देखो सबको, मान लो सबको सेम टाइम लगता है, सब 10 मिनट में पहुंचे, सब कितनी देर में पहुंचे 10 मिनट में, तो बताओ सबका स्पीड सेम होगा अलग होगा, सर अलग भी हो सकता है सेम भी हो सकता है, सर स्पीड सेम ही हो सकता है सर, सेम सबका स्पीड सेम होगा सर, अलग भी हो सकते हैं सर, सेम होगा लेकिन किसी किसी पार्ट में ज्यादा होगा किसी में कम होगा। यस, कभी हो सकता आपका स्पीड कम हो, कभी आपका हो सकता है, जैसे कार वाला है, ठीक है, उसने क्या किया 9 मिनट में कलश पहुंच गया, फिर वो आराम कर रहा है, देखो बाकी लोग आते हैं बाकी लोग आते हैं, है ना, थोड़ा आराम करना, मतलब वो 2 मिनट में कलश पहुंच गया और 7 मिनट उसने क्या किया आराम किया, वो जब देखा सब लोग आ गए चलो मैं भी चलता हूँ, ठीक है। तो जब उस स्टार्टिंग में उसका स्पीड कैसा था, फास्ट था, उसने रेस्ट भी कर लिया, उसने कोल्ड ड्रिंक भी पी लिया, उसने नारियल पानी पी लिया, उसमें वो कछुआ वाली कहानी सुनी ना सबने, तो दोनों देखो पहुंचते तो सेम टाइम पर, मतलब कछुआ जीत जाता अगर देखा जाए तो, पर स्पीड किसकी फास्ट थी, खरगोश की, पर उसने क्या किया बीच में रेस्ट कर लिया। तो आप जब भी आपका इक्वल टाइम होता है बट अगर आपका स्पीड अलग अलग हो तब भी आप उसको कह सकते हो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर सबको, क्लियर? यस सर, यस सर। चलिए अब आगे चलते हैं। तो जैसे हमने एवरेज स्पीड पढ़ा था ऐसी आपका क्या होता है एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि स्पीड और वेलोसिटी सेम नहीं हो सकते, अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी कभी कभी चेंज भी होती है। तो जब भी बॉडी का वेलोसिटी बार बार चेंज होता है तो एवरेज निकालते हैं, भाई मैं किस एवरेज स्पीड से चल रहा हूँ, तो इसमें क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को फिजिक्स की भाषा में, है ना, हर एक की भाषा होती है, तो फिजिक्स की भाषा में इसको यू से डिनोट करते हैं, हमेशा याद रखना इनिशियल वेलोसिटी यू, और जो फाइनल वेलोसिटी होती है उसको क्या लिखते हैं वी, ये डिफरेंस याद रखना, ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी यू और फाइनल वेलोसिटी वी, ये मीटर पर सेकंड भी हो सकती है,
ये किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है, ये याद रखना ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, ये देखो दोनों के बीच में डिफरेंसेस है, ये डिफरेंसेस आपको पता होने जरूरी है, ये एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं, कई बार दो मार्क्स में भी आता है और चार मार्क्स में भी आता है, तीन मार्क्स में आता है। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड सर कैन यू शो दैट फुल इमेज सो दैट आई कैन टेक स्क्रीनशॉट। मैंने आपको जो जो कल पढ़ाया है और ये जो आज पढ़ा रहा हूँ ये आपको मैं आज पीडीएफ फॉर्म में भेज दूंगा ठीक है सर। एक बार स्पीड और वेलोसिटी का टेबल दिखाऊंगा। यस यस ये आपको मैं पीडीएफ फॉर्म में भेजूंगा ठीक है। और जो मैंने आपको बुकलेट भेजी है ना उसमें यस सर आज भी मैं आपको एक स्टडी मटेरियल भेजा देखा आपने सबने एक 34 पेज में भी ऐसा ही है एंड उसमें दिया हुआ है देखो सर ठीक है। तो देखो स्पीड स्पीड को क्या बोलते हैं इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस और यहां पर क्या रहता है डिस्प्लेसमेंट। स्पीड क्या है स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी क्या है वेक्टर क्वांटिटी। फिर हमने पढ़ा था स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव नॉर जीरो, स्पीड हमेशा क्या होती है पॉजिटिव होती है, बट वेलोसिटी जो होती है नेगेटिव भी हो सकती है जीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है ठीक है। स्पीड इज वेलोसिटी विदाउट डायरेक्शन है ना, स्पीड को वेलोसिटी कहते कब जब आप डायरेक्शन की बात नहीं करते, और वेलोसिटी क्या होती है जब आप स्पीड को डायरेक्शन बताते हो मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ उसको कहते हैं वेलोसिटी। ये आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगा डोंट वरी ठीक है सर। Yes. सर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में डिफरेंस नहीं समझ आ रहा है। ओके आपको डिफरेंस बताता हूँ। देखो समझो मैं डिग्गी से भी स्टार्ट कर रहा हूँ, डिग्गी से मैं जा रहा हूँ विश्राम द्वारी, मैंने अपनी बाइक को किक मारी और मैंने चलना स्टार्ट किया और आफ्टर 5 सेकेंड मेरी इनिशियल वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर है और जब मैं वाड़ी पहुंचा जब मैं वाड़ी पहुंच गया उस टाइम मेरा फाइनल स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। तो जब मैंने बाइक स्टार्ट की और मैंने एक्सीलेटर दे दिया और अब मैं सेट हो गया हूँ तब मेरा स्पीड कितना है 30, इसको हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। ये कई बार जीरो भी हो सकती है कि जैसे मैंने जस्ट चलना स्टार्ट किया, जो हम जब भी गाड़ी स्टार्ट करते हैं या जब चलना स्टार्ट करते हैं उसको कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, उसको क्या कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी यू। और जब हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, अब जरूरी नहीं कि मैं गाड़ी रोकूं ठीक है, जरूरी नहीं है मैं अपनी गाड़ी रोकूं, पर उस समय समझो आप वाड़ी पहुंचे चौक पे कोई रेड लाइट नहीं है और मैंने आपसे पूछा भाई आपकी वेलोसिटी कितनी है, आपने कहा स्पीडोमीटर देख के कि दोस्त मेरा 45 किलोमीटर पर आवर, तो दैट इज माई फाइनल वेलोसिटी। Understood? Yes, sir. Okay. Yes, sir. अगर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन तो देखो इजी है। A car travel at distance of 20 किलोमीटर from Delhi to Mumbai towards north. अब यहाँ पर देखो डायरेक्शन दे दिया है। टाइम कितना है 5 hours. चलो जल्दी बताओ मेरे को स्पीड और वेलोसिटी कितना होगा। आंसर दिया है आप लोग निकालिए, आपको टाइम डिस्टेंस दिया है 200 किलोमीटर, आपको टाइम दिया है 5 आवर्स, तो पता ही आंसर क्या हुआ। फास्ट फास्ट सर स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर। गुड व्हाट इज वेलोसिटी
वेलोसिटी विल बी आल्सो 40 किलोमीटर पर आवर. सर माय स्पीड इज 40 किलोमीटर पर. यस स्पीड विल बी 40 किलोमीटर पर आवर. वेलोसिटी विल आल्सो 40 किलोमीटर पर आवर. सर वेलोसिटी इज आल्सो 40 किलोमीटर पर आवर. पर आपको यहां पर क्या लिखना पड़ेगा टुवर्ड्स नॉर्थ. अंडरस्टूड आपको. सर कैन यू टेल अगेन हाउ टू सॉल्व वेलोसिटी. सेम चीज आप देखो डिस्प्लेसमेंट कितना है. यहाँ पर आप ए पे थे मतलब दिल्ली पे थे. आप कहाँ गए अंबाला. दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 200 किलोमीटर. 200 किलोमीटर. डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट. हमने पढ़ा था फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. आप फाइनल कहाँ पहुंचे अंबाला. कहाँ से चले थे दिल्ली से चले थे. तो अंबाला से दिल्ली कितना दूर है 200 ही दूर है ना. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट कब दिखता है जब हम यहां से चले यहां गए और फिर इधर आ गए और फिर इधर आ गए. अब इस केस में ये डिस्प्लेसमेंट होता है और ये पूरा डिस्टेंस होता है. पर अगर हम एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं ठीक है. अगर समझो मैं यहां से चल रहा हूं और ऐसे स्ट्रेट जाता रहता हूं एकदम स्ट्रेट जाता हूं एकदम स्ट्रेट जाऊंगा और जब तक मैं स्ट्रेट जाता रहूंगा जब तक मैं स्ट्रेट लाइन में चलता रहूंगा तब तक याद रखना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होते हैं. ये हमेशा याद रखना. अंडरस्टूड. यस सर. जब भी मैं देखता हूं सो कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन. अगर समझो मैं यहां ए से चल रहा हूं और मैं स्ट्रेट चलते जा रहा हूं स्ट्रेट चलते जा रहा हूं मैं पहुंच गया बी पे तो मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा. लेकिन जैसे ही मैंने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया ऐसा ऐसे मैंने घूमना स्टार्ट कर दिया अब मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगा सेम नहीं होगा. अब समझो मैं यहाँ पर कहाँ पर पहुंचा सी पर पहुंचा तो ए से लेके सी का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस क्या होगा पूरा ए से बी फिर हम जो घूम के आ रहे हैं पूरा ये पूरा हम मेजर करेंगे और यहाँ तक जो पूरा मेजरमेंट होगा इसको कहेंगे डिस्टेंस. ये मैंने बताया था ना फर्स्ट डे भूल गया आप लोग. मैंने सबसे पहले दिन बताया था डिस्टेंस जो शॉर्टेस्ट रास्ता होता है उसको क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट. और जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है हमेशा रखना जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस. लॉन्गेस्ट पाथ को बोलते हैं डिस्टेंस और जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है शॉर्टेस्ट पाथ या सबसे छोटा रास्ता इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट. सब लोग. यस सर अंडरस्टैंड. मिस्टर भी माइक बंद करो आपका. चलिए अगला क्वेश्चन करें थर्ड क्वेश्चन. यस सर. चलिए ए बस कवर एट डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर. अब ये दिल्ली है ये हमारा जयपुर है ये डिस्टेंस आपको दिया है 250 किलोमीटर. वेस्ट में है तो ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन ये हमारा वेस्ट डायरेक्शन. टाइम कितना लगता है 5 आवर्स इन मॉर्निंग. ये सुबह जाती है दिल्ली से जयपुर और इवनिंग में जयपुर से रिटर्न आती है दिल्ली है ना. सुबह गई दिल्ली से जयपुर शाम को वापस जयपुर से दिल्ली आ गई तो डिस्टेंस तो सेम रहेगा और यहाँ पर इसने दिया है टाइम भी सेम है तो बताइए एवरेज स्पीड कितना होगा और एवरेज वेलोसिटी कितना होगा. चलो सॉल्व कीजिए. तो फर्स्ट हमारा एवरेज स्पीड हमारा क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल यस
सर 50 किलोमीटर पर आवर। एकदम गुड। तुषार को सही जाने लग गया है। तुषार अच्छा लग रहा है फिजिक्स सबको? सॉरी सर, अच्छा लग रहा है सबको फिजिक्स? सर अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा। यस सर, समझ भी आ रहे हैं। जैसे आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, देखो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, जब मैं दिल्ली से जयपुर गया सुबह और शाम को जयपुर से दिल्ली वापस आ गया, ऐसे ही सुबह सर मैं आंसर देखती हूँ। सर एवरेज वेलोसिटी जीरो आएगी। टाइम जयपुर टू दिल्ली, तो डिस्टेंस पहले कितना था 250, वापस डिस्टेंस भी 250, नीचे टाइम 5 + 5, ऊपर कितना हो गया 500, नीचे कितना है 10, 0 0 कैंसिल, क्या बच गया 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अभी देखो जब वेलोसिटी निकालते हैं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। दोनों में डिफरेंस समझना इसलिए ना, एवरेज अब वेलोसिटी निकालनी है तो ये होता है टोटल सर इस। यस बच्चा, सर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना कि जैसे दिल्ली से जयपुर गया तो वापस आने का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। यस बच्चा, हम वही मैं एक्चुअली में आपको समझा रहा हूँ ना, इसलिए मुझे थोड़ा एबीसीडी की तरह पढ़ाना पड़ता है, पर आप एक बार आप लोग समझदार हो जाओगे ना फिर मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। ठीक है, अभी देखो इसको करना कैसे, जब मैं दिल्ली से जयपुर गया और जब मैं जयपुर से दिल्ली आया, अब पीछे प्लस का साइन है, नीचे टाइम है, हमने डिस्प्लेसमेंट में क्या बताया था, अब मैं दिल्ली था जयपुर गया और वापस कहां पर आ गया दिल्ली, तो मेरा फाइनल पोजीशन क्या था दिल्ली, इनिशियल पोजीशन क्या था दिल्ली, इसका मतलब मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है जीरो, है ना। आप इसको नॉर्मली लिखते कैसे हो, 50 + -50 / 5 + 5, अगर मैं इस डायरेक्शन से वेस्ट में जाता हूं, अगर इसको पॉजिटिव मानता हूं तो जब मैं वेस्ट से मतलब जब मैं दिल्ली से कहां जा रहा हूं जयपुर, तो मैं इसको क्या मानता हूं पॉजिटिव डायरेक्शन, तो जब मैं जयपुर से दिल्ली वापस आऊंगा, जब मैं जयपुर से दिल्ली वापस आऊंगा वो डायरेक्शन कैसा होगा नेगेटिव, इसलिए यहां पर ये वाला 50 पॉजिटिव आता है और यहां पर ये वाला 50 नेगेटिव आता है, ये बन जाता है आपका 50 - 50/10, तो ये आपका बन जाता है 0 किलोमीटर पर आवर। अंडरस्टूड, ये फिजिक्स की भाषा में ऐसे लिखते हैं, क्लियर सबको? प्लीज रिप्लाई, सबको क्लियर? यस सर। बाकी लोगों की आवाज नहीं आई भाई? चल कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन, अंडर व्हाट कंडीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अभी देखो साइंस में क्वेश्चंस को समझना बहुत जरूरी होता है। अंडर व्हाट कंडीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड, बताइए कब होता है कि आपका स्पीड और वेलोसिटी दोनों इक्वल कब होते हैं, बताइए सोच के। सर क्या आपका स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम कब होता है, अंडर व्हाट कंडीशन, अंडर व्हाट कंडीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ। हेलो सर। यस सर, मैं जब हमने कवर किया हुआ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। यस बिल्कुल सही बात, जब आपका डायरेक्शन चेंज नहीं होता, अगर आप यहां से चल रहे हो
और आप स्ट्रेट चलते रहते, आपका डायरेक्शन चेंज नहीं होता. पर व्हेन इट इज इन स्ट्रेट लाइन. यस व्हेन इट इज इन द स्ट्रेट लाइन, एकदम करेक्ट. अब उस कंडीशन में आपका एवरेज वेलोसिटी, सर इफ वी यूज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. यस, जब दोनों डिस्टेंस आपके सेम है. ठीक है, गॉट इट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वाला. व्हाट डज द ओडोमीटर टेल अस? ऑडोमीटर आपको क्या बताता है सर? सर डिस्टेंस ट्रैवल बाय डिस्टेंस को क्या बताता है? हाउ मेनी किलोमीटर द व्हीकल हैज ट्रैवल्ड इन टोटल. ओडोमीटर ऑफ ए ऑटोमोबाइल मेजर द डिस्टेंस, है ना. एक होता है स्पीडोमीटर और उसी के नीचे होता है ओडोमीटर. तो स्पीडोमीटर हमको बताता है स्पीड और ओडोमीटर होता है वो हमको बताता है डिस्टेंस. ये सब लोग याद रखना, कभी कभी एक मार्क से पूछा जाता है कि स्पीडोमीटर क्या बताता है और ओडोमीटर क्या बताता है. चलिए अगला क्वेश्चन, हमारी सबकी रिवीजन भी हो रही है क्वेश्चन से. व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन द यूनिफॉर्म मोशन? हम यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन सर. स्ट्रेट लाइन सर. स्ट्रेट लाइन. जब भी हम लोग ऐसा गोल गोल घूमेंगे इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है. जब हम स्ट्रेट लाइन में से चलते रहेंगे तो वो क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन. Uniform motion. Yes. चलिए फिफ्थ क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये हम लोग करेंगे. ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स. ठीक है, अभी आपको देखो दिखाता हूँ कैसे. ये समझो आपकी अर्थ है और ये आपका स्पेस स्टेशन है. इसने यहाँ से एक सिग्नल भेजा, इसको सिग्नल को पहुंचने में कितना टाइम लगा? 5 मिनट. ठीक है, इसको इसने यहां से सिग्नल भेजा अर्थ पे. अर्थ पे जो स्टेशन होता है, रिसीविंग स्टेशन जो होता है, इसको सिग्नल को आने में 5 मिनट लगा. ठीक है, और जो इसने सिग्नल भेजा उसका जो स्पीड है वो है 3×10^8 m/s. ठीक है, ये इसका स्पीड है. तो बताओ यहां इस स्पेस क्राफ्ट से अर्थ तक का डिस्टेंस कितना है? तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? स्पीड इनटू टाइम. चलिए बताइए फटाफट, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? सर उसको कौन सा स्टेशन बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्पेस स्टेशन. जो आपके सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमते हैं. यस सर. सबका निकला डिस्टेंस? आपका टाइम कितना दिया है? 5 मिनट्स. स्पीड किसमें दिया है? मीटर पर सेकेंड. तो जो टाइम है मिनट में है उसको पहले हमको सेकेंड में चेंज करना होगा. हमेशा यूनिट सेम होनी चाहिए. जब भी हम प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हमेशा याद रखना. जब भी हम चारों चीजें करेंगे ना, जैसे आपका एडिशन हो, कभी भी याद रखना, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, आपका चाहे मल्टीप्लिकेशन हो या आपका डिवाइड हो, आपका यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए. अगर क्वेश्चन में यहाँ सेकंड दिया है और यहाँ मिनट दिया है तो इस मिनट को सेकंड में हमेशा चेंज करना. तो फिजिक्स में यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. जैसे मैं आपसे कहूँ आपके पास 7 एप्पल है और आपके पास 2 ऑरेंज है, मैं आपको कहूँ आप मुझे 2 एप्पल दे दीजिए, तो आप क्या करोगे? आप एप्पल में से एप्पल माइनस करोगे, तब मेरे पास कितने बचेंगे? सबट्रैक्शन सर, है ना. अब मैं आपसे कहूँ मुझे 2 एप्पल दे दीजिए, तो बताइए ऑरेंज को कोई फर्क पड़ेगा? ऑरेंज तो सेम रहेंगे, क्योंकि ऑरेंज का यूनिट अलग है. मैंने आपसे क्या लिए? एप्पल लिए. तो आप एप्पल में से एप्पल को माइनस करोगे. जब मैं आपसे ऑरेंज मांगूंगा तो आप मुझे ऑरेंज दोगे. उसी तरह
जब भी हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करते हैं तो कभी भी आप लोग, आपको मैंने कहा कि 5 मिनट में से 5 सेकंड माइनस कर दो, तो ऐसा नहीं कहोगे सर 0 मिनट बच गया। आपको क्या करना पड़ेगा, इस मिनट को पहले सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। ये कितना हो जाता है 300 सेकंड माइनस 5 सेकंड मतलब 295 सेकंड। हमेशा याद रखना यूनिट्स हमेशा कन्वर्ट करना बहुत जरूरी होता है। सर माइनस 5 सेकंड्स क्यों? तो मैं आपको एग्जांपल दिया ना, जस्ट एक ऐसा 5 मिनट्स माइनस 5 सेकंड। तो मैंने मिनट को किसमें चेंज किया, सेकंड में चेंज, एग्जांपल दिया मैंने आपको। ओके सर। तो 4.55 सेकंड। इसका आंसर कितना है बताओ मेरे को। इसका आंसर निकला किसी का? सर 9 × 10⁻¹⁰। 9 × 10⁻¹⁰। चलिए मैं बताता हूँ कैसे आया। सर 9 × 9 = 100 बन गया, फिर 10 के ऊपर 2 पावर बढ़ गई। देखो आपका स्पीड कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। हमारा टाइम कितना है, 5 मिनट। इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 5 × 60 तो 300 सेकंड। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है, 3 × 10⁸ इंटू टाइम कितना है, 300। ठीक है, अभी देखो आपका 3 × 3 900 × 10⁸ तो मीटर अपॉन सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल। अब यहाँ पर 2 जीरो है, यहाँ पर 10⁸ है, तो क्या बन गया 9 × 10⁻¹ मीटर। इसका मतलब जो स्पेस स्टेशन है वो अर्थ से 9 × 10⁻¹⁰ मीटर दूर है। Understood? Yes, sir. सबको क्लियर? Yes, sir. Okay. सर थोड़ा सा डाउट है। बोलो बच्चा। सर इसी क्वेश्चन में डाउट है। हाँ इसी क्वेश्चन में क्या डाउट है बताओ। सर समझ नहीं। अच्छा आपको समझ में नहीं आया। यस सर। समझो ये हमारी अर्थ है, ये हमारा स्पेस स्टेशन है। मैंने यहां से एक सिग्नल भेजा, यहां पर इस सिग्नल को अर्थ पे पहुंचने में कितना मिनट लगे, 5 मिनट लगे। ठीक है, और जो स्पीड आपको दिया है सिग्नल का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब देखो यहाँ पर सेकंड है तो मिनट को मैं किस में चेंज करूंगा, सेकंड में, तो 5 × 60 300 सेकंड। हमको क्या निकालना है, ये स्पेस शिफ्ट अर्थ से कितना दूर है, हमको डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना दिया है, 3 × 10⁸ मीटर।
मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना दिया है 300 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल। अब देखो 3 1 3 3 3 9 तो कितना हो गया 900 8 to 10 की पावर 8 मीटर। अब देखो ये दो जीरो है, इसको पैसे लिख सकते 9 into 10 की पावर 2 into 10 की पावर 8 मीटर। ये क्या बन गया 9 into 10 की पावर 10 मीटर। अभी समझा? यस सर। ओके चलिए गुड, आज का क्लास हम यही एंड करेंगे। ओके ये रिकॉर्डिंग और आपको पीडीएफ फॉर्म भी चेंज कर, अभी मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं ये आपको वापस फिर से खुद सॉल्व करना है और होमवर्क आपको सबमिट करना है। तो जिसने आज होमवर्क सबमिट नहीं किया वो भी होमवर्क, और जो आज ये सारे क्वेश्चंस ये आपको मैंने जो आज कराए हैं जितने भी क्वेश्चंस आपको मैंने कराए हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया 11 किया था कल वाला है ना, जो हमने दो क्वेश्चंस किए थे 10 और 11, अपने आप ईमानदारी से खुद सॉल्व करने की कोशिश करना।